यूट्यूब के साथ साथ हमारा वीडियोस इंडियाज लार्जेस्ट फ्री एजुकेशनल ऐप अनअकैडमी में भी देखें। वहां हमारे वीडियो के लेसन आ रहे हैं। वहां केमिस्ट्री को सीखने समझने का अच्छा मौका मिलेगा। अनअकैडमी में टॉपिक क्लियरेंस के साथ साथ नोट्स भी होगा, एमसीक्यूज भी होंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे और उनके सॉल्यूशन भी होगा। अनअकैडमी एजुकेशनल ऐप बहुत ही अच्छा माध्यम है। यहां पर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा वीडियोस कर सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले अनअकैडमी ऐप को प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए। अनअकैडमी ऐप में विक्रम हैब केमिस्ट्री को सर्च कीजिए, जिससे मेरे केमिस्ट्री के लेसन मिल जाएंगे। या मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको अनअकैडमी के लिंक दे दिए हैं, उसे क्लिक कीजिए, आपको अनअकैडमी में मेरा लेसन मिल जाएगा। क्वेश्चन देखें, जिसमें हमको फाइंड करना होता है ए बी सी, या किसी में ए बी, या किसी में ए बी सी डी, इस तरह के भी होते हैं क्वेश्चंस। तो मैंने दोनों टाइप के लिख दिए हैं, देखिएगा। यहाँ पे लिखा है आइडेंटिफाई ए बी एंड सी इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये जो दिए गए रिएक्शन है उनमें हमको क्या करना है कि ए बी सी क्या है ये बताना है, जहां पर ये संकेत के रूप में दिया गया है। चलो इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो पहली बात तो ये कि मैं आपको जिस तरह से लाइन से दिया वैसे ना बताते हुए स्टेप वाइज बताता हूं, ताकि वो रिएक्शन कैसे हुआ वो भी आपको क्लियर हो जाए। चलो देखें, फर्स्ट इसमें सबसे पहले दिया गया है कि सी एच थ्री सी एच टू सी एल का के सी एन से रिएक्शन है। तो मैं स्टेप वाइज बता रहा हूं। स्टेप फर्स्ट, मैं सी एच थ्री सी एच टू सी एल के रिएक्शन KCN के साथ कराते हैं, तो क्या होगा? अभी थोड़ी देर पहले हमने ऐसे रिएक्शन किए थे, तो KCL निकल गया और बन गया बाकी बचा हुआ CH3CH2CN, यानी ये साइनाइड बन गया, यही L, प्रोपेन नाइट्राइड या इथाइल साइनाइड A बन गया। अब A जो बना है उसके रिएक्शन बोला गया है H2 के साथ Ni की उपस्थिति में। स्टेप सेकेंड, सी एच थ्री सी एच टू सी एन, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं H2 के साथ Ni की उपस्थिति में, तो क्या रिएक्शन होगा? यहां पर देखेंगे हाइड्रोजन के साथ इनका, तो यहां पर ट्रिपल बॉन्ड होता है, सारे बॉन्ड टूट जाएंगे, तो बन गया सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू एन एच टू, यानी कि एमाइन बनता है, यह बी। थर्ड देखें, स्टेप थ्री थर्ड, सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू एन एच टू, प्लस रिएक्शन है सी एच थ्री सी ओ सी एल किसी क्षार की उपस्थिति में, बेस की उपस्थिति में। तो ये जो सी एल है इस एमाइन के एच के साथ निकल जाएगा HCl बन करके, जो कि बेस के साथ रिएक्शन करने पर उदासीनीकरण क्रिया होगी, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन, और उसमें बन जाएगा NaCl, अगर NaOH लेते हैं तो NaCl और वाटर, तो इससे सॉल्ट एंड वाटर बन जाएगा। बाकी हम वो नहीं दर्शाएंगे, यहां पर लिखेंगे HCl जो निकल गया है और बाकी जो बचा है उसके साथ आपस में जुड़ जाएंगे। तो क्या बचा है? CH3CH2CH2NH और इनके साथ ये CO और CH3, इस तरह से एमाइड बनता है और ये है C। तो A B C हमें पता चल गया। चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे। नंबर सेकंड, इसको भी हम स्टेप में समझा देते हैं आपको। फर्स्ट स्टेप, NO2 नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन किसके साथ? SN प्लस HCl की रिएक्शन से मिलता है हमें हाइड्रोजन गैस। ये जो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है
नेसेंट हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन, वो इस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बनाएगा पानी H2O 2 टाइम्स। अब जो जगह बचा हुआ है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 2 होती है, 3 होती है, तो एक तो बेंजीन के साथ हो गया और दो वैलेंसी जो बचा हुआ है उनके साथ आ जाएगा दो हाइड्रोजन यानी NH2। ये है एनिलीन, ए मिला हमें, हाइड्रोजन टोटल यूज हुआ 6 टाइम। अब आगे देखें, ये जो पदार्थ है इसके रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ कराने पर क्या होगा, जरा देखें। सेकंड स्टेप NH2 CHCl3 प्लस NaOH के साथ करा रहे हैं, तब क्या होगा? यहां पर इस बात पे ध्यान देंगे कि क्लोरीन Na के साथ रिएक्शन करेगा। क्लोरीन 3 बार है तो हम 3 बार रिएक्शन करा सकते हैं, तो बना 3NaCl। OH हमारे पास 3 बार है, 2H यहां से, 1H यहां से, ये तीनों निकल गया 3 वाटर मॉलिक्यूल। प्लस क्या बच गया उसे देखिए, N बचा हुआ है, C बचा हुआ है बाकी रिंग के साथ, N ये बन गया कार्बिलेमिन। तो इस रिएक्शन को कार्बिलेमिन रिएक्शन कहते हैं, बेंजीन कार्बिलेमिन बनता है, यह है B। तो रिएक्शन नंबर फर्स्ट, रिएक्शन नंबर सेकंड हमने कंप्लीट कर लिया, थर्ड में चलते हैं, क्या बनता है उसे देखते हैं। थर्ड में दिया हुआ है, तो सबसे पहली बात है कि प्रथम पद फर्स्ट स्टेप COOH, इसका रिएक्शन क्या होगा? इसका रिएक्शन अमोनिया के साथ होता है, तब ये अमोनिया के साथ मिलकर के बनाएगा NH4, तो बन गया COONH4, अमोनियम बन गया, अमोनियम बेंजोएट। ये बेंजोइक एसिड है, अमोनिया से रिएक्शन कराया, अमोनिया से रिएक्शन करके बेंजोइक एसिड बना, तो ये क्या बोला, ये बेंजोइक एसिड है, ये है अमोनियम बेंजोएट। अमोनियम बेंजोएट सेकंड स्टेप, इसके बाद कहता है कि इसको हीट करना है, गर्म करना है। इसको गर्म करेंगे तो क्या, यहां से 2H और यहां से 1O निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, बच गया है CO और NH2, यानी कि एमाइड बनता है, बेंजामाइड बनता है। इस तरह से चले नेक्स्ट। C6H5N2Cl, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, एक सॉल्ट है, इसको गर्म किया जा रहा है या रिएक्शन करा जा रहा है CU की उपस्थिति में HCl के साथ, तो यहां पर सेंडमेयर रिएक्शन होगा, जिससे क्या हुआ, ये N2 अलग हो गया और प्राप्त हुआ आपके पास C6H5Cl, क्लोरोबेंजीन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लोरोबेंजीन, ये है A आपका। फिर जो क्लोरोबेंजीन मिला है, उनकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराई जा रही है FeCl3 की उपस्थिति में, FeCl3 ना, तब क्या होगा, ये क्लोरीन जो है, देखिए इसमें जो रिएक्शन होगा अर्थो और पैरा पर होगा, कोई भी रिएक्शन, हैलोजिनेशन है, क्लोरीनीकरण है, एल्केनेशन है, एसाइलेशन है, या सल्फोनेशन है, नाइट्रेशन है, ये सारे रिएक्शन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है,
जो बेंजीन के साथ होता है। इस रिएक्शन में आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है या कोई प्रतिस्थापी है वो कहां पे जाके जुड़ेगा, उसमें जुड़े हुए जो प्रतिस्थापी होते हैं यानी सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, रिंग पर उपस्थित पहले से जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उस पर निर्भर करता है। इवान इलिंगवर्थ के रूल के अनुसार उनको समझाते हैं, उनके एक ट्रिक भी बना देते हैं छोटा सा उस तरह से, तो उस ट्रिक के बेस पर उस काम को आपको करना है। अब समझने वाली बात यह है कि वो भी एक अलग क्लास होगा, एक अलग वीडियोस होंगे, तो उनके वीडियोस अभी तो शायद यूट्यूब में नहीं डाल पाया हूं मैं, या होगा भी मुझे आइडिया नहीं है। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि उनके भी वीडियोस देखने हैं, उनके भी क्लासेस देखने हैं, तब जाकर के आप परफेक्ट होंगे। तो यहां पर मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं कि इसमें ऑर्थो या पैरा, ऑर्थो या पैरा, ये ऑर्थो है, ये मेटा पोजिशन है, ऑर्थो है, मेटा है, और ये पैरा है। जिस कार्बन में जुड़ा हुआ इसको छोड़ करके अगले ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा। तो इस तरह से तो ऑर्थो पर होगा या पैरा पर होगा। तो मैं एक रिएक्शन बस बता रहा हूं, जब इसकी कमी में होगी रिएक्शन, अधिकता में होगी तो सभी जगह पे हो जाएगा, कमी में दिखा रहा है। तो क्या हुआ, Cl क्या हुआ, दो सेल में से एक सेल निकल गया HCl बन करके और यहां पर एक नया सेल जुड़ गया या एक दूसरा पदार्थ बन गया। ऐसा नहीं कि हम ये भी बनता है वो भी बनता है, दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है इसलिए लिख रहे हैं। बाकी अगर बैलेंसिंग देखें तो एक ही के साथ होगा ना, या तो ये वाला ऑर्थो पोजीशन वाला या पैरा पोजीशन वाला, जबकि वहां पर मिक्सचर प्राप्त होगा। क्योंकि वैसा तो नहीं होता है कि एक मॉलिक्यूल ये ले लिए और एक मॉलिक्यूल ये ले लिए रिएक्शन, वो तो ऐसा होता है कि इतनी पदार्थ हमने लिया उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, मिलियंस मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उनके रिएक्शंस कराते हैं हम लोग एक्चुअली। तो ये हुआ ये वाला बी, हमको बी प्राप्त हुआ, यानी ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन या पैरा डाइक्लोरो बेंजीन का निर्माण होता है। कुछ और देखते हैं इसके बाद, देखें आइडेंटिफाई ए बी एंड सी। नेक्स्ट देखेंगे इसमें, इसमें का फर्स्ट देखें C6H5Br, C6H5Br की रिएक्शन करा जा रहा है Mg के साथ, मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। आप जानते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनेगा, ग्रिगनार्ड रिएक्शन है ये, तो MgBr तो बन जाएगा C6H5MgBr। हमने ऐसा रिएक्शन देख चुके हैं पहले, मतलब यही होता है कि जो आप जानते हैं उन्हीं में से रिएक्शन होते हैं। दूसरी बात, जब हम चल रहे हैं रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें दो कदम और भी सोच लेना चाहिए कि यहां पर जो बनने वाला पदार्थ है इनसे रिएक्शन करती है कि नहीं करती, और इस तरह से रिएक्शन करने के बाद यहां पर जो बी बनेगा कुछ तो रिएक्शन होगा जिसको PCl5 से रिएक्शन करा सकते हैं, सी बनेगा, ये सोचा जाता है। ज्यादा इतना दूर नहीं सोच सकते हैं, तो रिएक्शन करा के देखिए क्या बनता है, उसके बाद और रिएक्शन करा के देखिए क्या बनता है, देखते जाए राइट या रॉन्ग तो होगा ही होगा, लेकिन बात यही समझना है, रॉन्ग अभी तभी होंगे आप जब आपने काफी प्रैक्टिस नहीं किए हैं रिएक्शंस में। नेम रिएक्शंस मैं आपको इस क्लास के बाद जस्ट दूंगा, काफी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ नेम रिएक्शंस, और मैं कह रहा हूं कि वो सारे नेम रिएक्शंस आपके अनअकैडमी में आ चुके हैं, उसमें जाइए आप देखिए, क्योंकि हम वहां पर बहुत कुछ दे चुके हैं आपको, इसलिए कह रहे हैं वहां पर जाइए उनको करिए। लेकिन यूट्यूब के साथ बिल्कुल बने रहिए, उनके साथ भी रहिए इस तरह भी रहिए, डबल सपोर्ट आपको मिलेगा पढ़ाई में। वहां पर हम नोट्स के रूप में दिखाते हैं, यहां पर हम क्लास के रूप में दिखाते हैं, दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है कि वो नोट्स रूल है और ये आपका क्लास रूल है। तो क्लास के हिसाब से आप यहां पर देखिए और यहां पर जाकर के वहां भी सपोर्ट लीजिए, उसका सपोर्ट यहां, मतलब उनसे देखेंगे तो यहां पर सपोर्ट मिलेगा, इसको देखेंगे तो उनको सपोर्ट मिलेगा, तो दोनों तरह से सपोर्ट मिलता है एक दूसरे से। इसलिए दो अलग अलग प्लेटफॉर्म में अलग अलग क्लासेस, अलग अलग तरीके से क्लास पढ़ाई जा रही है, तो आप इनको देखिए, आपको बहुत सारे रिएक्शंस देखने को मिल जाएगा और बहुत सारी बातें, बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पे मिल जाएंगे, इसलिए आप देखिए वहां पे भी यहां पे भी। तो चलिए हम आपको बातचीत कर रहे हैं, यहां पे जो दिया गया है ये हो चुका है वहां पे, इसलिए कह रहे हैं, और इससे आगे भी बहुत सारी चीजें हो चुकी है, इसलिए हम कह रहे हैं कि वहां पे जाइए बिल्कुल और देखिए। आप उनको देखेंगे, उनके रिएक्शंस देखेंगे, उनके क्वेश्चंस देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होते हैं, एनुअल एग्जाम के लिए तैयार करने में या प्लान करने में मदद मिलेगी। ये बना, ये हो गया आपका ए। फिर इसके बाद आपका दो पार्ट लिखा है, ए और बी, ये दोनों रिएक्शंस, दो रिएक्शंस के बीच बेस पर बी बनेगा। तो मैं वहां पर आपको आगे स्टेप देता हूं, ए मिल गया,
एक के बाद जो ए मिला है C6H5 MgBr का रिएक्शन CO2 से होगा। फर्स्ट टाइम CO2 से करेंगे। तो CO2 से कैसे रिएक्शन होता हमने एक बार देखा था थोड़ी देर पहले, या है ना कि यहां पर एक बॉन्ड टूट जाता है तो क्या मिलेगा, देखिए O और बाकी डबल बॉन्ड O, O के साथ कौन जाके जुड़ेगा, MgBr। तो MgBr और बचा हुआ C6H5 है ये। अब फिर बोला ये जो बना हुआ है इसका रिएक्शन हमको किससे कराना है, B। ये देखो ये A हो गया हमारा CO2, इसके रिएक्शन किसके साथ, H लिखा हुआ है वहां पर H3O+। ये समझना कि जल के साथ रिएक्शन है अम्ल की उपस्थिति में, ये इसका मतलब ये होता है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। H3O+ का मतलब होता है ये दो चीजें को दर्शा रहा है, H2O+H+, इनके साथ रिएक्शन है अम्ल की उपस्थिति में, ये दिखा रहा है। हम ऐसा भी लिख सकते हैं H3O+H2O भी लिख सकते हैं, चाहे तो हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, H+ की उपस्थिति में H2O यानी HOH, तो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। तो हम चलिए मैं HOH लिख देता हूं और समझने के लिए, तो ये OH इनके साथ निकल गया तो बन गया MgOHBr प्लस H जो है इनके साथ जुड़ जाएगा OH C डबल बॉन्ड O C6H5, यानी कि यहां पर बन गया ये है आपका B, बेंजोइक एसिड C6H5 COOH, ये बन गया है। इस बेंजोइक एसिड की रिएक्शन करा रहे हैं PCl5 के साथ, ये है B। अब चलते हैं C6H5 COOH, इसकी रिएक्शन करा जा रहा है PCl5 से। PCl5 की एक विशेषता है कि वो O ग्रहण करती है और बनाता है POCl3। ये हमेशा PCl5 के साथ ऐसे ही रिएक्शन होगा, और ये दो Cl जो छोड़ेगा जो दान करेगा उसमें से जहां से उन्होंने O लिया था उसके एक पार्ट से जुड़ जाएगा एक Cl, तो HCl बन गया, दूसरे पार्ट से जुड़ जाएगा C6H5COCl, यानी कि ये आपका C हो गया, बेंजोइल क्लोराइड। ये बेंजोइल क्लोराइड, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड रिएक्शन है CH3CN। यहां पर दो बार रिएक्शन बोला गया है A के साथ, A है SnCl2HCl, तो यहां से मिलेगा आपको 2H बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड NH, ये इमीन बन गया। और आपको बताया गया था कि इमीन जब होगा तो पानी के साथ अम्ल की उपस्थिति में H2O, यही मतलब हुआ इसका जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको। तो इनके साथ क्या होगा, ये अमोनिया बन के निकल जाएगा, तो निकल गया अमोनिया NH3, बच के आ गया आपके पास ये A है ना, अभी A नहीं हुआ है ना सर, तो ये O इसमें जुड़ जाएगा, तो CH3CHO बन गया। उसके बाद ये कहता है कि डाइल्यूट A मिल गया आपको एसिटाल्डिहाइड। अब डाइल्यूट NaOH के साथ अभिक्रिया, तो आपको ये पता होना चाहिए CH3CHO की डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन, यहां पर उनके साथ रिएक्शन नहीं होगा, डाइल्यूट NaOH यानी दुर्बल क्षार वीक बेस, वीक बेस की उपस्थिति में जिस एल्डिहाइड या कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एल्डोल कंडेंसेशन करता है, तो यहां पर एल्डोल कंडेंसेशन होगा इसकी दो अणु में CH3C OH, तो इस स्थिति में अल्फा हाइड्रोजन, एक अणु का अल्फा हाइड्रोजन दूसरे अणु के ऑक्सीजन में चला जाएगा, जैसा कि आपको मैंने एल्डोल कंडेंसेशन जब समझाया था तो उस टाइम बताया था इस चीज को। तो एल्डोल संघनन में हुआ CH3CO और ये H है, तो O पर चला जाएगा उसका H, तो ये हो गया OH, और इस जगह बचा हुआ भाग है ये है CH2CHO, ये है एल्डोल, यही है आपका क्या हो जाएगा B। फिर कह रहा है कि C क्या है, गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो इसको अगर गर्म कर दिया जाए तो यहां पर रिएक्शन कुछ ऐसा होगा कि अल्फा हाइड्रोजन और ये OH यानी इसका
ये बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड है उसका यहां से और इसका एक एच निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल और बन जाएगा CH3 CH बचा ना, तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और इस तरह से CHO। तो ये है आपका C, नाम आप लिख सकते हैं यूपीएससी में जो भी है। तो आपने समझा कि जब रिएक्शंस तीन टाइप का दिया जाता है, व्हाट हैपेंस व्हेन, कंप्लीट द रिएक्शन और फाइंड या आइडेंटिफाई ABC, इस टाइप का रिएक्शन दिया जाता है, तो आपको ये क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको रिएक्शन आने चाहिए। और इस तरह से बात कहेंगे, ये जो है रिएक्शन, जब जानते हैं रिएक्शन के बारे में, आपने प्रैक्टिस किए हैं, तब ये फाइनल बातें होती हैं ये सब। ये शुरुआत नहीं होता है कि हमने ऐसे क्वेश्चन आता है तो उनको कैसे सॉल्व करना है सर बताइए। तो ये डिपेंड करता है कि आपको रिएक्शन आता है कि नहीं आता है। अगर आपको रिएक्शन बनाने आता है, रिएक्शन में आपने प्रैक्टिस किया है, तो ये संभव है ये बना सके। तो इसलिए आपको मैंने बहुत सारे रिएक्शन दे चुका हूं ऑर्गेनिक में, और इनऑर्गेनिक के कुछ रिएक्शंस मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इनऑर्गेनिक के इतने रेंज है, इतने ज़्यादा रिएक्शंस हैं कि आप सारे रिएक्शन को अगर कराने लगेंगे तो फिलहाल तो अभी नहीं संभव है। आपको चैप्टर वाइज जब काम कराएंगे तो आपको उसमें बहुत सारे रिएक्शंस बताएंगे, तो उन रिएक्शंस के आप में लगन होनी चाहिए, इसको सीखने का, समझने का लगन होना चाहिए, आप में मन होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, तब जा करके आप उसको कर पाएंगे। और कुछ रिएक्शन की बात होती है तो बता ही रहा हूं मैं, कुछ रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट है वो आ रहे हैं, एग्जाम में आ चुके हैं, ये बता सकते हैं कि इंपॉर्टेंट में क्या आ चुका है, ये नहीं बता सकते कि इंपॉर्टेंट में ये एग्जाम में आएगा, कोई नहीं बता सकता है, कोई संभव ही नहीं है चीज बता पाना कि मैंने 20-25-30 क्वेश्चन आपको दे दिया लिख करके और वही आएगा एग्जाम में। हाँ, बाई चांस ये हो सकता है कि आ जाए, हो सकता है कि 100% भी आ जाए, हो सकता है कि 90% आए, हो सकता है 10% आए, कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए आप में पढ़ने की, समझने की, सीखने की अद्भुत क्षमता होनी चाहिए और अद्भुत इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट आपको जगाना पड़ेगा तब होगा, इंटरेस्ट होती नहीं अपने आप किसी चीज में, इंटरेस्ट जगाना पड़ता है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपको किस तरह की चीजें चाहिए वो बताइए। आप लोग कहते होंगे कि हम आपका कमेंट्स नहीं पढ़ते हैं, रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, कमेंट जरूर पढ़ते हैं आप लोगों का। आप लाइक कीजिए, आपके कितने लोगों ने लाइक किया है इस क्लास को वो देखते हैं हम, कितने लोगों ने डिसलाइक किया वो भी देखते हैं हम, दिल टूट जाता है उससे। हाँ, इतना तो रहता है कि हम इससे और अच्छा काम करेंगे। हाँ, इतना कहेंगे कि आप डिसलाइक तभी करें जब पूरी वीडियो देख लें, आपने देखा ही नहीं है पूरी वीडियो और सीधे तरह डिसलाइक कर दी, वो थोड़ा गलत हो जाता है। तो ऐसे लोग हैं कुछ लोग, उनको भी कमेंट्स करके बताइए कि यार आपने वीडियो देखे नहीं और डिसलाइक कर दी, आपने उनको बताइए आप लोग तो, और हमारी वीडियोस को शेयर करिए अपने दोस्तों को, आपके दोस्तों को बहुत ज़रूरत है इस तरह की क्लासेस की। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल हमारी, तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दिए। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। मेरे पास अक्सर फ़ोन आ रहे हैं कि सर आपके चैनल के सारे वीडियोज़ नहीं मिल रहे हैं, और जो वीडियो मिल रहा है वो पूरी तरह से हमें नहीं मिल रहे हैं, सारे वीडियोज़ नहीं मिल रहे हैं, लाइन से नहीं मिल रहे हैं, आगे पीछे मिल रहे हैं। तो मैं आपको कहूंगा कि मेरे वीडियोस को देखने के लिए सबसे पहले YouTube में जा करके विक्रम हैप केमिस्ट्री सर्च करें, तो मेरे वीडियोस खुल जाएंगे, मेरे चैनल खुल जाएगा। किसी एक वीडियो को आप ओपन करें, यदि आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साइड में बेल आइकॉन है उसे दबा दीजिए। अब आप इस तरह से काम करें, फिर अब आप यूट्यूब बंद कर दीजिए, फिर इस प्रकार से आप यूट्यूब चालू करें। जब YouTube चालू हो जाए तो आप यहां पर जो ऊपर साइड में आपका ये आइकॉन बना हुआ है, इस जगह पर जा करके आप क्लिक करें तो आएगा माई चैनल। जैसे ही माई चैनल आता है उसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए नीचे की तरफ आता है सब्सक्रिप्शंस। सब्सक्रिप्शंस को क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे जिसको आपने सब्सक्राइब किए होंगे। इसे ऊपर करते जाइए तो यहां पर किसी एक जगह पे मेरा चैनल दिखेगा और मेरा फोटो दिखेगा, उसको क्लिक करेंगे तो मेरे चैनल खुल जाएंगे। इसमें होम मिलेगा, वीडियो मिलेगा, प्लेलिस्ट मिलेगा। तो आप प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए। जब प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे फोल्डर्स मिलेंगे। तो सबसे पहले आप काम करें कि प्री बेसिक केमिस्ट्री क्लासेस और बेसिक केमिस्ट्री को देख लें, यदि आप शुरुआत कर रहे हो केमिस्ट्री में। तो
फिर उसके बाद आपको जो मर्जी होगा उसमें से जिस फोल्डर को आपको क्लिक करना है कर लीजिए। उस फोल्डर को जब ओपन करेंगे तो मेरे सारे उस फोल्डर से रिलेटेड या उस टॉपिक से रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड होगा वो सारे वीडियोज खुल जाएंगे। फिर उसे लाइन से आप पढ़िए, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। इस तरह से आप लेक्चर वाइज या वॉल्यूम वाइज आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यही एक तरीका है जिससे आप वीडियोस देख सकते हैं, सारे वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद।